So now let's talk about the excretory system in human beings. अब हमारी body के अंदर excretion का process करने के लिए system होता है जिसका नाम है excretory system. अब उसमें क्या क्या आता है पहले तो हम diagram देख रहे थे. देखो diagram start करते हैं, यहाँ पे आपको दो दिखेंगी, one is aorta and one is vena cava. अभी हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, aorta क्या होता है, this is the biggest artery in our बॉडी. तो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसका नाम है एओर्टा. एंड इसी तरह से हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी वेन होती है वो होती है वेना कावा. सो यहाँ पे ये जो दो है दीज आर एओर्टा एंड वेना कावा. देन दीज टू यहाँ पे जो ये पल्स की शेप में होती है दीज आर दी किडनीज. ये दोनों हमारी किडनीज है. देन यहाँ से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है दिस इज दी यूरेटर. एंड देन यहाँ पे दिस पार्ट इज दी ब्लैडर एंड दिस पार्ट इज दी यूरेथ्रा. अब यहाँ पे जो मेन पार्ट अभी हमने देखे तो हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे, मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगी. बट बिफोर दैट लेट्स रीड इट. द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो एक्सक्रीशन. सेम वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गन्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अंडरगोज करते हैं एक्सक्रीशन या जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस को करते हैं. Then the excretory system consists of different organ. अब excretory system में different organs आते हैं. अगर आप यहाँ पे diagram देखें तो इन दोनों को अगर आप छोड़ दो तो बाकी के चारों these are the organs of excretory system. Kidneys, urinary bladder, ureters and urethra. So ये चार important जो है वो है important organs है excretory system के. अब एक एक करके हम इनके बारे में रीड आउट करते हैं, इनके बारे में समझते हैं. ओके सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस ऑर्गन्स. सो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनीज की. देयर आर टू ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो देयर आर टू ऑर्गन्स, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमारी बॉडी के अंदर दो किडनीज होती है. दीज किडनीज कंटेन ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज भी हमने पढ़ा था, जब वेसल जो वो बिल्कुल स्मॉल वेसल्स होती है उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. सो दीज किडनी कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज दैट फिल्टर आउट द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो ये जो किडनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही है. ये क्या करती है, इट फिल्टर आउट द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. सो किडनी की हेल्प से जो हमारी बॉडी का अनवांटेड सब्सटेंस है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है. ओके देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर. सो यूरिनरी ब्लैडर विच इज दिस वन, द यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज इज स्टोर्ड इन अ ब्लैडर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर. सो यहाँ पे अब जो किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस कर दिया उसको स्टोर करके ब्लैडर में रखा जाता है. ओके सो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है. तो अभी हमने किडनी के बारे में पढ़ा, ये फिल्टर आउट करते, कैपिलरीज भरी होती है इसमें एंड ये यूरिन की फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर आउट करता है. एंड देन है यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन किडनी प्रोड्यूस करती है उसको स्टोर करके रखता है. ठीक है सो दो ऑर्गन्स हमने डिस्कस कर लिए, किडनीज हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा. Now coming to the next organ which is ureters. There are two tube like structure which connect the kidney and the urinary bladder together. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये kidney है, this is the urinary bladder. That यहाँ पे इन दोनों चीजों को connect कौन कर रहा है, ये दो tubes connect कर रही है, which means कि ये दोनों tubes होती है हमारी ureters. Okay, these two tubes are called as ureter. They allow passage of urine from the kidney to the ब्लैडर. अब हमने देखा कि यूरिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किडनी प्रोड्यूस कर रही है एंड स्टोर कहाँ पे हो रहा है, ब्लैडर में. सो यहाँ से यहाँ तक यूरिन पास कैसे होगा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी हेल्प से यूरिन पास होता है ब्लैडर तक. ओके देन लास्ट ऑर्गन है यहाँ पे यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या कहते हैं, देयर इज मस्क्यूलर ट्यूब थ्रू विच द यूरिन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पे इस पार्ट पे दिस इज दी मस्कुलर ट्यूब. अब यहाँ पे क्या होता है, यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है. ओके सो हमने यहाँ पे चारों अब जितने भी हमारे पास थे ये हमने डिस्कस कर दिए ऑर्गन. नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक.